एवरीवन, आज मैं पहला अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ हेयर स्मूथनिंग के लिए। और ये मास्क लगा रखा है। अभी जस्ट मैं और मेरी सिस्टर मंदिर से होकर आए हैं, कालका जी मंदिर से। और आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रही हूँ। होप यू गाइज आपको पसंद आएगा। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं बाहर, मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर हम ऑटो से जा रहे थे, हमने ऑटो लिया था, मैं अपने भाई के साथ जा रही थी। यहाँ पर हम मालवीय नगर पहुंच गए थे। ये मेरा ब्रदर है, मैं शूट कर रही थी उसे बिना बताए। और यहाँ पर हम पहुंच गए थे सैलून के पास। यही वो सैलून है। यहाँ पे अंदर हमने बात कर ली थी। फिर यहाँ पर मैं गई तो स्मूथनिंग के लिए थी, बट मेरे बाल थोड़े थिन हैं तो मैंने केराटिन करा लिया। उससे डैमेज रिपेयर हो जाता है और बाल काफ़ी स्मूथ और अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे वॉश कर रहे थे पहले हेयर को। आप अगर आपने हेयर वॉश भी नहीं किया है फिर भी आप जाओगे तो आपको हेयर वॉशिंग होगा, आपका हेयर अच्छे से वॉश करते हैं। यहाँ पर मेरा हेयर वॉश हो गया था, मैं यहाँ पे बैठ गई थी। आप वो केराटिन जो लगाते हैं हेयर में वो लगा रहे थे, दो भैया थे, दोनों लगा रहे थे वन वन साइड में। और यहाँ पे केराटिन लगाने के बाद 10 मिनट के लिए उन्होंने मेरे हेयर को रैप करके छोड़ दिया था ताकि वो आई थिंक केराटिन एब्जॉर्ब हो जाए इसलिए। यहाँ पर मेरे बालों को रैप कर दिया था उन्होंने और रैप करके 10 मिनट छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद उन्होंने रैपिंग हटा करके और मेरे सिंगल सिंगल हेयर को लेके ब्लो ड्राइंग कर रहे थे। सारा जो भी क्रीम और जो भी होता है वो केराटिन क्रीम होती है वो सूख जाए करके, तो उसके बाद इन्होंने ब्लो ड्राइंग ये ऐसे कर रहे थे। ब्लो ड्राइंग करने के बाद जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर पतला पतला सेक्शन लेके इन्होंने फिर बालों को प्रेस किया था। यहाँ पे वो पतला पतला सेक्शन लेकर बालों को प्रेस कर रहे थे। और गाइज मैंने जो ये करवाया है ये 3500-400 के आसपास है, मतलब 3500 लास्ट था मेरा। और इसके जितनी भी डिटेल्स हैं और जो भी फ़ोन नंबर और एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। जो ये शॉप है ये मालवीय नगर में है, अगर आप नियर बाय हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप मेरे थ्रू जाओगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे। बहुत हीटिंग लगती है गाइस यहाँ पर जो ये हीट करते हैं, एंड ब्लो ड्राइंग जब होता है तो थोड़ी बहुत हीट लगती है। मैंने टीका भी नहीं मिटाया था और वो अच्छे से वॉश करते हैं तो टीका मिटा भी नहीं, मेरे टीका लगा ही हुआ था। हम मंदिर गए थे, मैं अपनी बहन के साथ गई थी। छोटा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ गाइज, होप यू गाइज आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आगे भी आपको बहुत सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे इंटरेस्टिंग वाले। बाल काफी अच्छे हो गए थे, बहुत ज्यादा स्मूथ स्ट्रेट हो गए थे। और मुझको नेक्स्ट डे इन्होंने वॉशिंग के लिए बुलाया था, मैंने नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप शूट करना भूल गई थी, स्किप हो गया था वो क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी था। दिवाली वाले दिन काफ़ी सारा काम था तो वॉशिंग के बाद मुझे टाइम नहीं मिला। और मैंने वॉशिंग के बाद अपना हेयर कट भी ले लिया था छोटा सा, जिसमें स्प्लिट एंड्स वगैरह
मेरे स्प्लिट एंड्स थे नीचे, तो मैंने थोड़ा सा 1 और 2 इंच मैंने कट करवा लिया था और आगे से लेयरिंग करवा ली थी थोड़ी सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल कितने अच्छे हैं। फाइनल लुक गाइस, कल वॉश के लिए आना है मुझे, एंड यहाँ का जो भी एड्रेस है और डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकअप कर सकते हो, सारी डिटेल में डाल दूंगी। मिलते हैं घर पे, मिलते हैं, बाय। हाय गाइस, हम घर कब का आ गए थे, गाइस हम कब के आ गए थे, और मैं अपने भाई के साथ गई थी कैरेटिन कराने के लिए। हम कब का आ गए थे, लाइटिंग लगा रहे थे हम, और अभी मैं हम सोच रहे हैं कि मैं अपनी सिस्टर को मेहंदी लगा दूं, एंड देन उसके बाद ही कल दिवाली है तो थोड़ी सी मेहंदी लगा लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी। हाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग था कैरेटीन का, मेरे बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं काफी, और आप सबको हैप्पी 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 दिवाली। और यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ ब्लॉग, फर्स्ट टाइम बनाए गाइस, होप यू गाइस आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।